Hello students, I hope you all are fine at your home. This is our EVS class. Let us study the chapter 4, Clothes We Wear. कपड़े जो हम पहनते हैं, ठीक है? अभी इसके पहले हमने previous chapter में क्या study किया था? House we live in, घर जिसमें हम रहते हैं. और अब हमारा क्या है? Clothes we wear, कपड़े means जो हम पहनते हैं. Okay, चलिए देखते हैं. Clothes are one of our basic needs. We wear clothes because they protect us from heat, cold and rain. Clothes क्या होते हैं? वो हमारी basic needs होते हैं, मतलब कि हमारे बहुत ही हमारे लिए जो ज़रूरी होते हैं. Basic मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? We wear clothes because they, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? देखिए क्यों पहनते हैं. It protects us from heat, cold and rain. वो हमें गर्मी, सर्दी और बरसात से बचाते हैं. Clothes make us look smart. और कपड़े पहन के हम कैसे दिखते हैं? Smart दिखते हैं. Clothes cover our body and protect us from dust and germs. Clothes जो होते हैं वो हमारी body को cover करते हैं और धूल और germs वगैरह से हमें बचाते हैं. Okay? अब देखिए, वॉट आर क्लोथ्स मेड ऑफ? क्लोथ्स किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, मतलब जो भी हम कपड़े ये पहने हैं ये किस चीज़ से बने हैं? ओके, क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा. क्लोथ्स जो होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि कॉटन हुआ, वूल हुआ, सिल्क. कॉटन क्या होता है? कॉटन मीन्स रुई, रुई होता है, सूती कपड़े जो होते हैं. ओके, और वूल मीन्स होता है ऊन, और सिल्क मीन्स होता है रेशम. ओके, कॉटन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. हमें कॉटन किससे मिलती है? कॉटन का एक प्लांट होता है, मतलब रुई का एक प्लांट होता है जिससे हमें कॉटन मिलती है. कॉटन ग्रोज इन पॉट्स, द पॉट्स आर पिक्ड एंड थ्रेड इज मेड फ्रॉम द पॉट. और कॉटन की जो मतलब ये देखिए, ये जो होते हैं ना कॉटन के, इसको क्या कहा जाता है? पॉट्स, मतलब फ्लावर टाइप जो होते हैं उसके गोल गोल, उनको पॉट्स कहा जाता है. और इन्हीं पॉट्स से ये इन्हीं पॉट्स को तोड़ा जाता है जिनसे धागे बनाए जाते हैं और उन्हीं से कपड़े बनते हैं. ओके, मेकिंग ऑफ थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग. और जो कॉटन से धागा बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. ओके, दिस थ्रेड इज मेड इनटू क्लॉथ इनटू अ यूजिंग अ लूम. और यही थ्रेड कपड़े बनाने के काम में आता है. मेकिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड वीविंग. और पहले तो देखो, कॉटन ली, कॉटन से थ्रेड बनाया तो उसको क्या कहेंगे? स्पिनिंग. और उसी थ्रेड से फिर वो कपड़ा बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वीविंग. ओके, क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन आर कॉल्ड कॉटन क्लोथ. और जो कपड़े कॉटन से बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कॉटन क्लोथ्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है वूल. वूल मीन्स होता है ऊन. हमें ऊन कहाँ से मिलता है? वी गेट वूल फ्रॉम शीप. शीप मीन्स होता है भेड़. हमें भेड़ जो होते हैं ना उनसे वूल मिलता है. द थिक हेयर दैट ग्रो ऑन देयर बॉडी आर यूज टू मेक वूल. जो उनके स्किन पे बहुत ही मोटे मोटे जो बाल होते हैं ना, वो जो ग्रो करते हैं उन वही क्या होते हैं? वूल. क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल आर कॉल्ड वूलन क्लोथ. और क्लोथ्स जो वूल से मतलब ऊन से बने रहते हैं उन्हें वूलन क्लोथ्स कहा जाता है. और ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं? सर्दियों में. ओके, ठंड से बचने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं. ओके, सिल्क. सिल्क क्या होता है? रेशम. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म. हमें सिल्क रेशम कहाँ से मिलता है? रेशम के कीड़े से. आप देखिए, ये आपकी बुक में पिक्चर दिया है सिल्क वर्म का. इसको क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म. इस कीड़े का नाम क्या है? सिल्क वर्म. ओके, हमें इससे क्या मिलता है? सिल्क मिलता है. द सिल्क वर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट्स. जो मलबरी प्लांट, मलबरी नाम का एक प्लांट होता है उस पर ये सिल्क वर्म रहता है. इट गिव्स आउट अ लॉन्ग एंड स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ एंड देन कवर्स इट्सेल्फ विथ अ थ्रेड. ये क्या करता है? ये अपने माउथ से एक ऐसा सब्सटेंस निकालता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा सा, और वो थ्रेड फॉर्म में होता है. ओके, तो उसी से क्या बनता है? सिल्क बनता है. दिस कवरिंग इज कॉल्ड कुकून. और वो उसी थ्रेड से अपने आप को कवर भी कर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? कुकून. द थ्रेड फ्रॉम द कुकून इज वूवन टू मेक सिल्क फैब्रिक. और फिर ये थ्रेड कुकून में से निकाला जाता है और सिल्क का फैब्रिक यानी कपड़ा बनाया जाता है. अब देखिए, पीपल हु हेल्प इन मेकिंग क्लोथ्स. जो
कपड़े बनाने में पीपल हमारी हेल्प करते हैं उनके बारे में। अ वीवर वीव्स डिफरेंट फैब्रिक्स ऑन अ लूम। वीवर जो होता है मतलब जो धागे से कपड़ा बनाता है वो अलग अलग धागे से कपड़े बनाता है। अ टेलर स्टिचेस डिफरेंट क्लोथ्स विद अ स्विंग मशीन। जो टेलर होता है वो मशीन से अलग अलग तरीके के कपड़े सिलता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लोथ्स के बारे में चैप्टर था जिसमें हमने स्टडी किया कि हमारे कपड़े किस तरीके से बनते हैं और किस किस चीज़ के बनते हैं। इसके मैं आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, तो आप अपनी कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन आंसर्स को और एक्सरसाइज बुक में फिल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।